हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं देसी स्टाइल में दम आलू बनाने की इजी सी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं देसी स्टाइल में दम आलू बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने कुछ छोटे आलू लिए हैं जिन्हें बॉईल कर लिया है। 1 कप टमाटर है कटा हुआ, 1 कप प्याज कटा हुआ, 2 से 3 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, कुछ गरम मसाले हैं मेरे पास, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, 1 हरी इलायची, और इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ सूखे मसालों की। ये मेरे पास है किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और जीरा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले हम दम आलू बनाने के लिए उसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं हमें कैसे करना है। सबसे पहले दम आलू के लिए हमें उसकी ग्रेवी बनानी है, तो उसके लिए हमें मसाला बनाना है। तो सबसे पहले हम अपने ये 1 कप कटे हुए टमाटर डाल लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप प्याज, और अब हम इसमें डालेंगे अपने कुछ खड़े गरम मसाले। यहाँ मैं 3 लौंग डाल रही हूँ, 3 से 4 काली मिर्च, 1 इलायची, हरी इलायची है मेरे पास, 1/2 इंच का टुकड़ा दालचीनी, और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च 1 और 2, 2 छोटी हरी मिर्च, और अदरक का टुकड़ा, और 3 से 4 कली लहसुन की, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। और पानी थोड़ा सा डालकर हम इसका एक स्मूथ सा इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इन सब चीजों का मिक्सी में चला के एक पेस्ट बनाना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा जो मसाला है वो पिस के एकदम रेडी हो गया है ना। हमें इसे बहुत मोटा नहीं करना है, अच्छा सा स्मूथ सा बना लेना है। चलिए देखते हैं अब आगे हमें क्या करना है। ये हमारा मसाला पिसके रेडी है। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। आगे हम अपने पहले जो हमें दम आलू बनाने के लिए सूखे मसालों की जरूरत है उन्हें एक साथ कर लेंगे। यहाँ पर ये मेरे पास है 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इन सब मसालों को हमने एक साथ कर लिया है। तो चलिए देखते हैं आगे हमें क्या करना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे 3 से 4 छोटा चम्मच तेल। तेल गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1 कड़ी पत्ता। जीरा कड़क जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग का पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे अपने सारे सूखे मसाले जो हमने लिए हैं, और गैस को धीमा कर देंगे और इसे थोड़ा सा चला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अपना ये प्याज टमाटर का मसाला। आप अगर ज्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्च इस मसाले में नहीं भी डालें तो चलेगा, और अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक और इसे मिक्स कर देंगे। और अब इस मसाले को हम मीडियम आंच पे भून लेंगे। यहाँ पर ये कलछी को इस तरह से इस कढ़ाई में रहने देंगे और एक ढक्कन लगा के मीडियम आंच पे इस मसाले को भून लेंगे।
ये ढक्कन ढकने से जो मसाले मसाले में जो पानी है वो ऊपर बाहर की तरफ नहीं आता है और मसाला भी हमारा अच्छा भुनता है, इसलिए हम इसे इस तरह से भून लेंगे। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है हम अपने इन आलूओं को कट कर लेंगे। आप चाहें तो एकदम छोटे वाले आलू भी ले सकते हैं जिसे बेबी पोटैटो कहते हैं, वो भी ले सकते हैं। ये देखिए इसको बस हमें इस तरह से हाफ कर देना है, इस तरह से। इस तरह से हम अपने सभी आलूओं को कट कर लेंगे। बीच बीच में अपने मसाले को चलाते रहें। ये देखिए ये हमारा मसाला भुनना शुरू हो गया है। ये देखिए अभी हम इसे और भूनेंगे, 5 से 10 मिनट और भून लेते हैं। आइए अपने मसाले को चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मसाले ने अपना पूरा तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब ये मसाला हमारा जो है वो अच्छे से भुन चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे अपने उबले हुए और आधे कटे हुए आलू और इन्हें मिक्स कर देंगे हल्के हाथ से। इन्हें मिक्स कर देंगे और अब हम यहाँ डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। पानी हमें इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है। ये देखिए करीब आधा कप पानी डाला है मैंने। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, अगर आपको ग्रेवी बहुत पतली रखनी है तो आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं, और अगर आपको ग्रेवी थिक रखनी है तो आप कम पानी डालें। ये देखिए इस तरह से अच्छे से चला देंगे। ये देखिए यहाँ मैं थोड़ा पानी और डालूंगी क्योंकि अभी ये कुक होगा, पानी के साथ ही पकेंगे ये थोड़ा सा, क्योंकि ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी। अभी हमें इन्हें इन आलूओं को 5 से 7 मिनट तक और इसी ग्रेवी के साथ पकाना है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी और डाला है मैंने। ये देखिए ये तैयार है और अब हम इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक के लिए और पका लेंगे। अगर कभी आपकी जो दम आलू है या कोई भी और ग्रेवी है वो थोड़ी पतली हो जाती है तो आप उसमें आलू को मैश करके उस ग्रेवी में मिला सकते हैं, तो वो ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए हम इंतजार करते हैं इसके पकने का। 5 से 7 मिनट हमने इन्हें धीमी आंच पे पका लिया है। चलिए आइए चेक कर लेते हैं ये किस तरह से दिख रहे हैं। ये देखिए वाह, अब हम अपनी गैस बंद कर देंगे। ये हमारी दम आलू देसी स्टाइल एकदम तैयार है। तो चलिए आइए इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये तैयार है हमारी देसी स्टाइल दम आलू, और अब हम इसे सजाएंगे थोड़े से धनिया के पत्तों के साथ। तो लीजिए फ्रेंड्स इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए, और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।